Dear Mahanubha, today I am speaking on 10 principles of Arya Samaj for a harmonious society. किसी भी व्यक्ति समाज एवं संस्था को सुचारू रूप देने के लिए नियमों की आवश्यकता होती है। मैं भी जब घर में अपनी अम्मी के साथ घर में खेलती हूँ, मैंने उनको रूल्स बना के दे रखे। जब मैं सीढ़ियों पर चढ़ जाऊँ तो आप मुझे पकड़ोगी नहीं, नीचे उतरने पर ही आप मुझे हाथ लगा सकती हो। मैं ऐसा ही करती हूँ तो मुझे बड़ा आनंद आता है। ऐसे ही चाहे प्लेग्राउंड हो या घर हो या समाज हो या देश हो, सबको नियमों में रहना पड़ता है। जो घर का मुखिया है उसका कहना मानना पड़ता है, यदि नहीं मानेंगे तो एक रूपता नहीं रहेगी। अनेक ईश्वर को मानने से जड़ पूजा गुरुदेव अवतारवाद को बढ़ावा मिलता है। ऐसे ही आर्य समाज एक संस्था है, उसके 10 नियम हैं। उनका कहना हर एक व्यक्ति जो आर्य बनना चाहता है उसके अनुसार चलना होगा। महर्षि स्वामी दयानंद ने एक ही सर्वव्यापक निराकार ईश्वर का वर्णन किया है, जिसने हमें वेदों का ज्ञान दिया है। जो भी ज्ञान हमको प्राप्त है उस सब का मूल कारण ईश्वर ही है। एक ईश्वर को मानने से जड़ पूजा गुरुदम अवतारवाद खोड़ावा मिलता है। अनेक ईश्वर को मानने से जड़ पूजा गुरुदम अवतारवाद को बढ़ावा मिलता है। जो समाज के लिए हानिकारक है, आर्य समाज का चौथा नियम कहता है सत्य के ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। इफ देयर इज नो ट्रस्ट इन द वर्ल्ड, नन वुड ट्रस्ट अदर्स। आर्य समाज का पांचवा नियम कहता है सब काम धर्मानुसार, अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करने चाहिए। इफ वी फॉलो राइटियस प्रैक्टिस इन लाइफ, इफ वी फॉलो राइटियस प्रैक्टिस इन लाइफ, एक्चुअली वी आर एमिंग टुवर्ड्स हार्मोनियस सोसाइटी। किसी भी व्यक्ति समाज एवं संस्था को आर्य समाज का नौवां नियम कहता है प्रत्येक को अपनी उन्नति से संतुष्ट न रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में ही अपनी उन्नति समझनी चाहिए। We should not simply be content by helping ourselves. We should try to take care of others as well. Only then will we be able to create a society without contradictions. सभी कुछ संभव है इस तरक्की के जमाने में, और ये क्या गजब है कि आदमी इंसान ही बनता। धन्यवाद।